ऑडिबल यस है? यस सर, सर, ठीक। यस अब हम ये कह रहे हैं कि जो हम सोर्स टू चैनल बढ़ रहे हैं तो चैनल और गेट के बीच का रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ रहा है, तो ऊपर डिप्लेशन लेयर की वजह से ज्यादा होगी और नीचे डिप्लेशन लेयर की वजह से क्या हो जाएगी, कम। तो जो पहले जो एलओ से डिप्लेशन लेयर दिखाए हैं चारों तरफ देखो यूनिफॉर्म दिखाए हैं, लेकिन जो दूसरे कलर वाला रेडिश कलर से दिखा रहे हैं उसमें देखो हमारे पास चैनल टेपर्ड शेप का है कि सॉरी डिप्लेशन लेयर टेपर्ड शेप का है कि नहीं है। टेपर्ड मतलब ऊपर ज्यादा और नीचे कम है। अब एक चीज सोचो, अगर हम ओरिजिन से पॉइंट ये पिंच ऑफ वाले पॉइंट तक जा रहे थे, इस वाले पॉइंट तक, तो करंट वैल्यू क्या हो रही थी? करंट वैल्यू इंक्रीज इंक्रीज हो कर रही रही थी। थी। और अगर करंट यस इंक्रीज सर, होगा तो इस चैनल में जो चैनल का रेजिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप भी तो बढ़ता जाएगा, यस सर, और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि रिवर्स बायस वोल्टेज इतना ज्यादा हो जाए कि दोनों साइड के डिप्लेशन एक दूसरे को टच करने लगे यस सर, और यस, डिप्लेशन लेयर टच करने लगेंगे, तो क्या वहां बीच में कोई चैनल बचेगा? डिप्लेशन नो सर, लेयर मतलब द रीजन विच इज फ्री ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर। तो बीच में अगर चैनल ही नहीं बचेगा, बीच में इंसुलेटिंग लेयर आ जाएगा, तो क्या कोई करंट फ्लो होगी? नो नो ना, सर, नो सर, और करंट नहीं फ्लो होगी नो तो करंट जीरो हो जानी चाहिए। सर, यस उस सर, समय हमारे पास चैनल सीज कर देना चाहिए, और सीज करने का मतलब चैनल डिसअपियर हो जाना चाहिए, करंट जीरो हो जानी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में करंट वहां जीरो नहीं होता, करंट सेचुरेट हो जाता है। क्यों? हाँ बस 100। क्या करंट उस समय जीरो नहीं होता, करंट उस समय सेचुरेट हो जाता है टू ए कांस्टेंट लेवल। उसके पीछे रीजन यह है कि मान लो अगर करंट जीरो हो जाए तो करंट जीरो, तो उस रेजिस्टेंस में कोई वोल्टेज ड्रॉप बचेगा? नो सर, और रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप नहीं बचेगा तो वहां रिवर्स बायस वोल्टेज कोई बचेगा? रेजिस्टेंस मतलब चैनल है एन टाइप का है, वहां वोल्टेज ड्रॉप खत्म तो रिवर्स बायस वोल्टेज हट गया, रिवर्स बायस वोल्टेज हट गया डिप्लेशन लेयर भी हट जाएगा, फिर चैनल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा वहां रेजिस्टेंस में, तो यस सर, फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ बीच में एक इक्विलियम की कंडीशन सेटअप होती है, जब ये कहता है कि अब हम करंट भी नहीं बढ़ेगा और दोनों साइड से डिप्लेशन की विड्थ नहीं बढ़ेगी और चैनल की मिनिमम विड्थ वहां बची रहती है हमेशा, और उसकी वजह से एक हाई डेंसिटी करंट फ्लो होती रहती है, ठीक। बीच में चैनल बचा रहता है, एक स्मॉल विड्थ उसकी बची रहती है और उसकी वजह से एक हाई डेंसिटी करंट वहां पर फ्लो होती रहती है। कोई किसी को दिक्कत हो तो बताइए इसमें। डिस्प्ले ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अब यहाँ पर डिफिनेशन इससे बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि व्हाट इज पिंच ऑफ वोल्टेज। तो पिंच ऑफ वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक देखो, पिंच ऑफ वोल्टेज कौन से एक्सिस पर दिखाया हमने, एक्स एक्सिस एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर क्या है पैरामीटर को वीडियोस, वीडियोस। तो वीपी इज द वैल्यू, वीपी इज द वैल्यू ऑफ वीडियोस यस सर, एट विच ड्रेन करंट गेट सेचुरेटेड टू अ यस सर, मैक्सिमम लेवल ऑफ आईडीएसएस यस सर, फॉर वीजीएस इक्वल टू 0 वोल्ट। देखो उसी यस ग्राफ में सर, वाई मतलब कर्व में लिखा है वीजीएस इक्वल टू 0 वोल्ट। पूरे इसी डायग्राम से देख के आप पिंच ऑफ वोल्टेज डिफाइन कर सकते हो, इट इज द वैल्यू ऑफ वीडीएस एट विच ड्रेन करंट गेट्स सैचुरेटेड टू अ मैक्सिमम लेवल ऑफ आईडीएसएस फॉर वीजीएस इक्वल टू 0 वोल्ट। तो रिपीट कर दीजिए एक बार। कोई और रिपीट करे पहले हमसे, पहले कोई रिपीट करने की कोशिश करे ग्राफ को देखते हुए, एनीवन? पिंच ऑफ वोल्टेज इज द वैल्यू ऑफ वीडीएस एट विच द आईडीएसएस गेट सैचुरेटेड व्हेन वीजीएस इक्वल्स टू जीरो। थोड़ा सा मिस्टेक थी, आईडीएस आईडी इक्वल्स आईडी गेट मैक्सिमम, सैचुरेटेड। हाँ आईडी गेट सेचुरेटेड टू आईडीएसएस। चलो नोट कर ठीक लो सर, इसको, पिंच ऑफ वोल्टेज इज द वैल्यू ऑफ वीडीएस इज द वैल्यू ऑफ वीडीएस एट विच ड्रेन करंट गेट सेचुरेटेड यस
gets saturated to a maximum level of IDSS for VGS equal to 0 volt. कुछ छूट गया तो बता दीजिएगा, रिपीट कर देंगे। छूट हो गया? Yes, एक चीज बताओ, yes, यहाँ जो हमारे पास पीएन जंक्शन कोई होता है उसको रिवर्स बायस करने के दो तरीके हैं, या तो एन पे पॉजिटिव अप्लाई कर दो या तो पी पे निगेटिव अप्लाई कर दो। कर सकते हैं एन पे पॉजिटिव अप्लाई कर दिया तभी जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा, या इसका उल्टा अगर पी पे निगेटिव अप्लाई कर दे तभी भी जंक्शन रिवर्स बायस होगा। यस सर। अब यहाँ पे चैनल किस टाइप का है, अभी जो डायग्राम एन टाइप में पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करके हम रिवर्स बायस कर रहे थे। और पॉजिटिव वोल्टेज क्यों हो रहा था, क्योंकि जब उस चैनल में करंट फ्लो होती चैनल में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, चैनल में जब करंट फ्लो हो रही थी तो चैनल में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, और चैनल चूंकि एन टाइप का था तो उसके बाद पीएन जंक्शन जो गेट वाला था पीएन जंक्शन वो रिवर्स बायस हो जा रहा था, तो इसके वजह से दोनों साइड की डिप्लेशन की विड्थ बढ़ रही थी और चैनल की विड्थ कम हो रही थी, है ना? बोलो। यस सर। यस सर। ठीक, अब एक चीज बताओ कि अगर इन रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, मतलब करंट को बढ़ाते जा रहे थे, तो दोनों साइड से डिप्लेशन लेवल बढ़ता जाएगा, और डिप्लेशन लेवल बढ़ के टच हो जाए तो चैनल डिसअपीयर हो जाएगा, चैनल डिसअपीयर हो जाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यानी जो कॉज है और जो रिजल्ट है एक दूसरे से रिलेटेड है कि नहीं है, कॉज और इफेक्ट। कॉज यह है रिवर्स बायस का कि चैनल में करंट फ्लो हो रही है, चैनल में करंट नहीं फ्लो हुई तो रिवर्स बायस नहीं होगा, और रिवर्स बायस होने की वजह से डिप्लेशन लेवल बढ़ा, डिप्लेशन लेवल बढ़ने की वजह से चैनल की विड्थ कम हो रही है, यह इफेक्ट है। और चैनल की विड्थ कम होगी तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जानी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कॉज और इफेक्ट दोनों एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। Yes, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं कि ना करंट बढ़ेगा ना चैनल की विड्थ कम होगी, तो करंट सैचुरेट हो जाता है। इतनी बातें क्लियर है? Yes, sir. ठीक, अब इसके बाद अगर तीसरा केस समझ लें कि व्हेन थर्ड केस, इसी में हम लिख दे रहे हैं थर्ड केस डायग्राम में ही, थर्ड केस यह ले रहे हैं, इफ VGS इज लेस देन 0 वोल्ट एंड VDS ग्रेटर देन 0 वोल्ट। अगेन फिर शुरू करने जा रहे हैं कहानी, तो VGS लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया कि गेट को हम किससे कनेक्ट कर दें, नेगेटिव से। चलो इस बैटरी का नाम दे देते हैं माइनस प्लस, इस बैटरी को हम कर दे रहे हैं VGG, मतलब जैसे हम VBB या VEE लिखते थे, और इसको नाम दे रहे हैं VDD। अब बताओ क्या VGS लेस देन 0 हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। VGS मतलब क्या है, VG माइनस VS, ठीक है, और गेट कौन से टर्मिनल से कनेक्ट है, नेगेटिव टर्मिनल से ना। यस सर। तो गेट वोल्टेज स्मॉलर देन द सोर्स वोल्टेज। हमारे पास यूनिफॉर्म डिप्लेशन लेयर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था, कहीं कोई बैटरी नहीं था, अभी शुरू वाली बात हो रही है, यूनिफॉर्म डिप्लेशन लेयर था यह जो हमने शुरू शुरू में बताया था, इतना सही है? अभी कहीं कोई वोल्टेज नहीं, ध्यान रखना। अब जैसे आपने गेट पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया तो यह जंक्शन कैसा हो गया, रिवर्स बायस्ड। तो रिवर्स बायस होगा तो यह जैसे हम एक कील लेके दीवार में ठोकते हैं तो कील के चारों तरफ इक्वली फोर्स अप्लाई होता है ना, उसके टिप के आगे साइड में। यस सर। सर्कुलर डायरेक्शन में, मतलब सर्कुलर शेप में चारों तरफ इक्वली फोर्स अप्लाई होता है, नहीं होता है? यस सर।
तो ये पी टाइप का जो सेमी कंडक्टर है इसको हमने रिवर्स बायस किया है, इसको नेगेटिव वोल्टेज दिया है, तो इसके चारों तरफ यूनिफॉर्म डिप्लेशन लेयर यूनिफॉर्म रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर। तो पी टाइप के चारों तरफ यूनिफॉर्म रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ भी यूनिफॉर्मली ही बढ़ेगी, यानी लाइक दिस। ये बात समझ आ रही है? Yes, यहाँ पे टेपर्ड शेप नहीं है, यूनिफॉर्म है। अब हमारे पास जो चैनल की इफेक्टिव विड्थ थी वो पहले से ऑलरेडी कम हो गई कि नहीं कम हो गई है? Yes, तो अब हम VDS जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे, जब ये VDS अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो ना स्टार्ट होगा, लेकिन प्रीवियस केस के रिस्पेक्ट में करंट कम फ्लो होगी ज्यादा फ्लो होगी? जब VGS 0 था कम होगा, कम होगा। तो ये पूरा का पूरा कर्व हमारे पास सेम शेप वही रहता है, ये पूरा का पूरा कर्व बस जस्ट नीचे आ जाता है लाइक दिस, और यह VGS इक्वल टू -1 वोल्ट के लिए है फॉर एग्जांपल। अब एक चीज बताऊं जरा, एक चीज देखो कि पीएन जंक्शन है, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी समझने के लिए बताना। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 वोल्ट है, अगर पी पे हम 0 वोल्ट अप्लाई कर दें तो ब्रेकडाउन के लिए एन पे कितना चाहिए? +5 वोल्ट, +5 और अगर पी पे -1 पहले सप्लाई कर सकते तब यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी बचेगी? +4 का बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। और यहाँ -2 कर लें +2 +3 ना यस सर। तो एक चीज बताओ, पहले हमारे पास पी 0 वोल्ट पे था, जब VGS 0 वोल्ट आपने लिखा था तो पिंच ऑफ मान लो 5 वोल्ट पे हो रहा था VDS की वैल्यू। अब अगर गेट पी पे -1 अप्लाई कर दिए तो सेम उसी पिंच ऑफ के लिए एन पे +4 की जरूरत होगी कि नहीं होगी? यस सर। रिपीट कर रहे हैं, ये हो जाएगा सर, एक बार रिपीट करिए। पहले पहले कर में जो पहले वाला कर उसमें देखो VGS की वैल्यू कितनी लिया है? 0। तो उस समय पिंच ऑफ कितना था? +5 और VDS मतलब पिंच ऑफ मतलब VDS की वैल्यू 5 वोल्ट थी तो पिंच ऑफ हो रहा था, और VDS मतलब ड्रेन पे वोल्टेज, और ड्रेन किस टाइप का था? N टाइप ना? N टाइप यस सर। पी पे 0 था तो N पे 5 वोल्ट अप्लाई करके पिंच ऑफ हो रहा था, जब पी पे 0 था तो N पे 5 अप्लाई कर रहे थे तो पिंच ऑफ हो रहा था। अब हमने VGS इक्वल टू कितना लिया? -1। तो P पे -1 कर दिया तो M पे उसी काम के लिए रिक्वायरमेंट कम होगी कि नहीं होगी? यस सर। इसी तरीके से अगर हम P पे -2 कर दें और पहले हो जाए कि नहीं हो जाएगा? -3 -4 और जब -5 करेंगे तो ध्यान रखिएगा उस समय करंट 0 हो जाएगी। यह हमारे पास जो कर प्लॉट किया गया है दैट इज VGS इक्वल टू -3 वोल्ट, इसके नीचे वाला VGS इक्वल टू -4 वोल्ट, और ये लास्ट वाला जो है VGS इक्वल टू -5 वोल्ट, और इसी को हम कहते हैं VGS ऑफ। अब एक चीज बताओ कि हमारे पास अगर मान लो कि N पे 0 वोल्ट हमने कर दिया और P पे -5 अप्लाई कर दिया तो सेम ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? इस डायोड वाले एग्जांपल को देखो। Yes, sir. Yes, sir. पहले केस में आपने P पे 0 रखा था तो N पे +5 अप्लाई कर रहा था तो ब्रेकडाउन या पिंच ऑफ हो रहा था। ब्रेकडाउन वर्ड समझने के लिए बस यूज कर रहे हैं, पिंच ऑफ उसका मतलब समझिएगा। अब हमने क्या किया, P पे -5 अप्लाई कर दिया और N पे 0 कर दिया तो अगेन ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? सेम रिवर्स बायस वोल्टेज डेवलप हो रहा है? इस केस को और इस केस को कंपेयर करो, हेलो अरे नहीं समझ, पूछो बताएंगे दोबारा। ये डायोड वाला केस समझ में आ रहा है? यस सर, अपोजिट है दोनों। P पे 0, N पे +5, तो रिवर्स बायस वोल्टेज कितना है? P पे 0, N पे +5, 5, 5, और इसका उल्टा
पी पे माइनस फाइव और एन पे जीरो, अभी रिवर्स बायस वोल्टेज कितना सेम है, तो सेम इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो जो पहले पिंच ऑफ हमारे पास 5 वोल्ट हो रहा था वो पिंच ऑफ 0 वोल्ट पे ही होने लगेगा जब हम VGS इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट कर देंगे तो। और एक चीज बताओ कि अगर दोनों साइड से डिप्लेशन एरिया यहां पे बढ़ते बढ़ते टच कर जाए तो चैनल की विड्थ क्या हो जाएगी? जीरो। चैनल विड्थ जीरो हो जाएगी तो करंट जीरो हो जाएगा। लेकिन करंट जीरो होने के बाद बैटरी पर कोई फर्क पड़ने वाला है? नो सर। वो तो कहेगा तुम्हें जीरो होना तो हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब प्रीवियस केस में जब यहाँ पे करंट कांस्टेंट हो रही थी तो अगर करंट जीरो हो जाता तो रिवर्स बायस इफेक्ट पड़ जाता नहीं पड़ जाता? यस सर। यस तो यहाँ पे एक्चुअल में करंट जीरो हो जाती है और यह जो पाथ होता है हमारे पास इन सबका पिंच ऑफ वाला पॉइंट वाला जो पाथ होता है इसको हम ज्वाइन कर दें तो यह पाथ हमें पैराबोलिक मिलता है। यह जो पाथ होता है यह पैराबोलिक, ठीक है? एंड दिस कर्व इज कॉल्ड ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक नाम करके इसको ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है, ठीक है? नाम लिख लीजिएगा नीचे, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट। पांच मिनट और जल्दी से लिख के बताइए, कुछ और चीजें बतानी है। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट नोट हो गया। सर ये जो पिंच ऑफ आप जीरो पे बता रहे थे वो वाला एक बार फिर से बता दीजिए। क्या क्या क्या? वो जो आप रिवर्स करके बता रहे थे कि पिंच ऑफ जीरो पे हो जाएगा। देखो हम वही कह रहे थे, पहले जो पिंच ऑफ वाली बात समझ में आई थी, जब पी पे जीरो थे यानी वीजीएस जीरो था और एन पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे करंट की वजह से। Yes, उस समय अगर दोनों साइड से डिप्रेशन अटैच कर जाते तो करंट हट जाती ना, करंट जीरो हो जाती है। जी, तो करंट जीरो होने मतलब करंट की वजह से एन पे पॉजिटिव या पीएन जंक्शन रिवर्स बायस हो रहा था। तो करंट जीरो तो होगी नहीं क्योंकि सोर्स और कॉज मतलब इफेक्ट और कॉज दोनों से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पी पे बैटरी की हेल्प से डायरेक्ट नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर दोनों डिप्रेशन टच कर जाए करंट जीरो हो जाए तभी भी उस बैटरी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ सोर्स अलग है इफेक्ट अलग है, मतलब कॉज अलग है इफेक्ट अलग है। यस सर। इसकी वजह से यहाँ करंट जीरो हो जाती है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। ठीक। कर्व का नाम नोट कर लिया? यस सर। ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन चैनल जेफेट। अब इसमें जो पैराबोलिक वाला पाथ हम बनाए हैं ये जो डैश लाइन से बनाए हैं यहाँ से पिंच ऑफ पॉइंट को सारे ज्वाइन किया गया है, इसके लेफ्ट साइड का जो यह रीजन होता है इसे हम कहते हैं ओमिक रीजन, ओमिक और लीनियर रीजन। और इसके राइट साइड का जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन। नाम से क्लियर होगा, ओमिक रीजन मतलब ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, कर्व वाई इक्वल टू एमएक्स जैसा है, ओमिक रीजन और डबल रीजन सैचुरेशन रीजन। नीचे कट ऑफ रीजन हो जाएगा। अच्छा चीज ध्यान रखिएगा, इस VGS ऑफ की और पिंच ऑफ वोल्टेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस साइन अलग होता है। इस लाइन का मतलब कोई समझ में आ रहा है कि VGS ऑफ की और पिंच ऑफ वोल्टेज की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, बस साइन अलग अलग होता है? यस सर। यहाँ पे देखो डायोड में ब्रेकडाउन वोल्टेज कंडीशन में ब्रेकडाउन हो रहा है, जीरो प्लस फाइव वाले पे। यस सर। और ये माइनस फाइव और जीरो वाले पे भी ब्रेकडाउन होगा कि नहीं होगा? यस सर। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम है ना दोनों की, साइन चेंज, बस साइन चेंज है। यहाँ कहीं किनारे नोट कर लेना कि VGS ऑफ इक्वल टू VP दोनों मॉड में कर देना, मॉड ऑफ VGS ऑफ इक्वल टू मॉड ऑफ VP। नोट हो गया? यस सर। अभी बताओ यही P चैनल जेफेट होता तो क्या क्या चेंज करते हैं एक एक करके?
एन कॉपी में एन कॉपी में मतलब ये चैनल किस टाइप का जाता है पी टाइप का और ये गेट किस टाइप का जाता है एन टाइप का एन टाइप का तो वीडीएस की वैल्यू कैसी हो जाती है वीडीएस लेस देन 0 हो जाती है लेस देन 0 या -5 -10 -15 लिखते हैं यस सर और चैनल गेट किस टाइप का हो चुका है एन तो उसको रिवर्स बात करने के लिए एन पर कैसा वोल्टेज चाहिए हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव ये क्या होता है 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5 और इन दोनों बैटरी पोलैरिटी चेंज कर देते हैं हो जाएगा यस सर अब हेडिंग डाल लीजिए ट्रांसफर इक्वेशन एंड ट्रांसफर कर्व ऑफ एन चैनल जेफेट ट्रांसफर इक्वेशन एंड ट्रांसफर कर्व ऑफ एन चैनल जेफेट ठीक हेलो यस सर हाँ आज हम केमिस्ट्री वाली क्लास स्विफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा अभी दूसरा कुछ प्रोजेक्ट है फाइनल ईयर का हम इसको सैटरडे को शेड्यूल कर लेंगे कल जो क्लास नहीं हो पाई थी ठीक है सैटरडे को तो डॉट करने जाना है ना सर कॉलेज सैटरडे को हाँ सर वो शेड्यूल हो रखा है ना सर डाउट पूछने जाना है कॉलेज कितने बजे आओगे सर सुबह से शाम तक जाएंगे सर कॉलेज में सर संडे को अभी मत कहना कि सर संडे और सैटरडे क्लास में रखा सर संडे को मत रखिए प्लीज सर सैटरडे को ही रख लीजिए सैटरडे को आप एक काम करिए 10 बजे ट्यूटोरियल वाले रख 9-10 पढ़ लीजिए फिर 10 बजे अपना बस निकल कॉलेज आ जाइए ठीक है सर यस सर सही है ठीक है ठीक है 9-10 यस 9-10 सर ठीक ओके ठीक सर थैंक यू